श्री जयचंद्र चूर ने किया आपके वकील से मजाक। आपको हमारी साइड होना था, उधर क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट में लगा हंसी का ठहाका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहचान एक ऐसे जज की है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोर्ट में भी हंसते मुस्कुराते गंभीर बातें कह जाते हैं। अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ कभी कभी मजाकिया भी हो जाते हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के कथित अतिक्रमण से संबंधित मामले में जोरदार बहस हो रही थी। मामले की गहन सुनवाई के दौरान एक ऐसा मौका आया जब मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई और आम आदमी पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट दोनों के चेहरे पर हंसी तैर गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी से कहा कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक दल के लिए पेश नहीं होना चाहिए था। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का कार्यालय दिल्ली हाईकोर्ट की कब्जा की हुई जमीन पर बना हुआ है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि आप सीजेआई चंद्रचूड़ को शानदार जज मानते हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए, सीजेआई ने सिंघवी से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि इस मामले में आपको पेश नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते, आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए। अदालत ने मामले में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को 15 जून तक दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जमीन खाली करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि ये भूमि दिल्ली हाई कोर्ट को अपने बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। 2016 से आम आदमी पार्टी का कब्जा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सूचित किया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारी आवंटित कुछ भूमि पर कब्जा करने गए थे, लेकिन एक राजनीतिक दल का कार्यालय वहां बनाया गया था और वे जमीन वापस नहीं ले सके। दिल्ली सरकार के कानून सचिव भारत पराशर ने अदालत को ये भी बताया कि उक्त जमीन 2016 से आम आदमी पार्टी के पास है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को वापस लौटानी होगी। चुनाव से पहले हमें सड़क पर नहीं ला सकते, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी ने कहा, हमें चुनाव से पहले सड़क पर नहीं लाया जा सकता। इस मामले को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को बदरपुर में एक प्लॉट की पेशकश की गई है। वे हमें बता रहे कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें बदरपुर दिया गया है जबकि अन्य दलों का ऑफिस बेहतर स्थानों में है, फिर सभी पार्टियों को बदरपुर में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि आप प्लॉट पाने के लिए हमारे ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं। बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट उनकी मूल अदालत है। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि उन्हें जगह देने से इनकार किया जाए।